नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और मैं हूं रामविलास समीर सिंह गार्डन से, और आपको असम गार्डन के माध्यम से ये जो है जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे भी देख रहे हैं, ये सारी जो गुलदाउदी की अलग अलग वैरायटियां हैं, आप देख रहे हैं कितनी फ्लावरिंग कर रहा है। आपके सामने भी है, वो देखेंगे कि कितनी फ्लावरिंग हो रही है इन सब में, और इतनी फ्लावरिंग हम कैसे ले सकते हैं, क्या चीज़ ऐसी डालें, क्या केयर टेकिंग करें कि हम इस तरह का फ्लावर, ये देखिए कि इस तरह से इस तसले में ये पूरा का पूरा है। अब इसमें खिलने शुरू हो गए, इसमें भी खुलना शुरू हो गया है। तो इस तरह की फ्लावरिंग के लिए, इतने नंबर ऑफ फ्लावर्स के लिए हमने क्या करना है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको कब लगाना चाहिए, कहाँ से पिंचिंग करनी चाहिए, कितनी बार पिंचिंग करना चाहिए, क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पिंचिंग ही ये काम नहीं करती, इसमें साथ के साथ फर्टिलाइजर भी डालना पड़ता है। और हम क्या फर्टिलाइजर दें कि इस तरह की फ्लावरिंग आपके घर में भी, ये देखिए कि ये किसी को शादी है, या जैसे आजकल टाइम चल रहा है किसी को गिफ्ट देना है, तो उठा करके ये एज इट इज़ दे दिया, जीता जागता पौधा या गिफ्ट दे दिया, ताकि वो उसके घर में रहे। नहीं तो आमतौर पर हम क्या गिफ्ट देते हैं, वो बुके ले आते हैं, दो दिन में सड़ जाता है, तीसरे दिन कूड़े में फेंक देते हैं। तो इस तरह के पौधे आप गिफ्ट में भी तैयार करके दे सकते हैं अपने इष्ट मित्रों को, अपने चाहने वालों को। तो कैसे आखिर ये होगा, ये आपकी घर की सुंदरता बढ़ाए, तो ये देखिए इनका मैं तरीका ए टू जेड बताने जा रहा हूँ, और ये सारे टिप्स फॉलो करने हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे क्या है। तो ये हमने साइड किया, अब ये देखिए कि कुछ गमले हैं। आमतौर पे तो देखिए इसकी पिंचिंग का, इसके लगाने का जो समय है वो सारा डिस्कस करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसके पौधे बनाने का समय क्या होता है। जून का महीना होता है या मई का महीना होता है, इसके पौधे आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। और कटिंग क्या करनी है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। आपने देखना है कि ये कटिंग कैसे काटनी है। इस तरह से जैसे पौधे हैं, इसकी कटिंग मदर प्लांट से हम इसको निकालते हैं, इसके पत्ते साफ करते हैं इस तरह से, और इतना बड़ा नहीं लगाना है इसको। हमने क्या करना है, थोड़ा और छोटा कर देंगे, ये छोटा कर दिया। छोटा करने से पहले देखना है कि एक नोड वाला जो सिस्टम है वो देखना है, एक से दो नोड जो है आपका ये नीचे होना चाहिए जहां भी कटिंग लगाते हैं आप। और पत्ते कम से कम रखने हैं। पत्ते कम से कम रखने का मतलब ये है कि प्लांट के ऊपर लोड जितना कम होगा वो उतनी जल्दी आपकी रूटिंग कर देगा। तो पत्ते हमने कम रखे, ये दो दो तीन तीन पत्ते ही रखे हैं इसके। इस तरह से आपने कटिंग काटनी है, ये नोट कर लें दोबारा। मई जून के महीने में ये काम आप कर सकते हैं, जुलाई में आप पौधा तैयार हो जाएगा, उसको ट्रांसप्लांट कर सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको या तो रूट हार्मोन है तो रूट हार्मोन में कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमें बताते हैं हम आपको कि जो नेचुरल है रूट हार्मोन वो क्या है। हमारा ये एलोवेरा करता है। एलोवेरा क्या चीज़ है, ये घर में सभी के लगा होता है, जैसे हमारे ह्यूमन के लिए एलोवेरा एक अमृत समान है, घृत कुमारी भी बोलते हैं इसके, बहुत सारी बीमारियों में या ताकत के लिए यूज में लिया जाता है इसके जेल को। तो एलोवेरा जेल को हम प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं। प्लांट्स में कैसे यूज करना है, देखिए ये इस तरह से हमने किया, और ये देखिए इसमें जेल ये लग गया। अब ये जेल क्या काम करता है दोस्तों, ये जेल काम करता है, सबसे पहले तो रूट हार्मोन का काम करेगा, दूसरा एंटी फंगल, जहां तक लग गया फंगस नहीं आएगी, तीसरा इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट को स्टार्टिंग में मिल जाता है। तो ये रेट से भरा हुआ कसोरा लेंगे और इसमें ऐसे लगा देंगे आप, और इसमें पानी देते रहेंगे, मॉइस्चर गीला रहे, सिर्फ रेत होना चाहिए इसमें, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 15 से 20 दिन में इस तरह से आपका रूट तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर रूट जो है जबरदस्त रूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं इसकी, ये कटिंग ही लगाया हुआ है, और कटिंग का रूट देखें आप, तो 20 से 25 दिन लगेगा ज़्यादा, और ये रूटिंग आपकी हो जाएगी। अब ये ट्रांसप्लांट करने के लिए प्लांट बिल्कुल तैयार है, या कह दीजिए कि ज़्यादा बड़ा हो गया है, इससे थोड़ा छोटे में ही हमें ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। एक्टिव रूट्स हैं, जहाँ लगाएंगे वहीं पे ये प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, और अपने घर में फ्री में आप इसका पौधा तैयार कर लेंगे। तो तैयार करके लगाएंगे, अब जब ये पौधा लगभग 4 से 6 इंची का हो जाए तब हमने इसकी पिंचिंग शुरू करनी होती है। उससे पहले बता दूं कि मिट्टी क्या है, मिट्टी जो है 6-2 के रेशो में लगाइए, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। दो पार्ट जो है हमने लीप कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट का ले लेना है, बर्मी कंपोस्ट लें तो 3 ले लें, लीप कंपोस्ट ले लें तो 2 ले लें, और उस तरह से लगा दें इसको, तो इस तरह की ग्रोथ आएगी। अब ग्रोथ आएगी तो क्या करना है आपको, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो इस तरह की फ्लावरिंग नहीं मिलेगी दोस्तों, जो ये आपको दिखाई दे रहा है।
इस तरह की फ्लावरी लेने के लिए हमें टाइम टू टाइम पिंचिंग करनी है। छेदों के रेशो में मिट्टी, खाद, स्टोन डस्ट, आयरन डस्ट, नीम खली मिला के और गमला भरना है। इस तरह से पौधे लगा लेने। जब पौधा इतना बड़ा हो जाए तो क्या करना है, इसकी पिंचिंग कर देनी है। इसकी पिंचिंग इस तरह से कर देनी है, देखिए, ताकि इसके जो नोड्स बचे रहें। अब क्या होगा, यहाँ से पिंचिंग करने से यहाँ से जो है और ब्रांचेस निकलेंगी। इसी तरह से ये है इसकी पिंचिंग, देखिए। पिंचिंग उस सिचुएशन तक करनी चाहिए जब तक कि उसमें फ्लावरिंग नहीं शो हुई हो, बर्ड्स नहीं बने हों। तो ये हमने ये पिंचिंग कर ली इसकी, इसकी देखिए ये पिंचिंग यहाँ से ये कर दिया और ये निकला हुआ है। इसको भी हम ये पिंच कर लेते हैं। अब बढ़ेगा कौन सा, ये देखिए, इसके अंदर से ये जो जितने ये इसके स्टेम्स निकल रहे हैं, नए शूट्स निकल रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कहने का मतलब, हमने एक काटा और एक की जगह जो है 5-7 इसमें, 5-7 इसमें और 5-7 3 हमने काटे हैं, तो 7-7 भी निकला या 5-5 निकला, तो 15 ब्रांचेस निकल आएंगे। 15 ब्रांचेस में एक में अगर 15 फूल भी हैं तो 15 ब्रांचेस के अंदर देखिए कि कितना फूल हो जाएगा, 200-250-300 फूल हो जाएंगे छोटे से गमले में। तो इस तरह से पिंचिंग का मतलब होता है। और ये जो आपने पिंचिंग की, ये भी पौधा आपका बेकार नहीं जाएगा। ये बेकार नहीं जाएगा इसलिए क्योंकि इसके पत्ते हम तोड़ेंगे, देखिए, और इस तरह से सफाई करके, और हम क्या करेंगे, इसको भी हम कटिंग के रूप में लगा लेंगे, ये देखिए। और इससे हमारे एक पौधे से कई पौधे हम लगातार तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिया हमने और इसके अंदर वही सिस्टम है, एलोवेरा जेल हमने इसमें ये लगा दिया, देखिए, एलोवेरा जेल लगा और इसको हमने ये सिंपली सैंड में लगा देना है, देखिए। अब 15 से 20 दिन के अंदर या ज्यादा ज्यादा 25 दिन के अंदर ये रूट्स इसके अंदर हमारी निकल आएंगी और पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। अब पिंचिंग हमने कर ली, अब सिर्फ पिंचिंग करके एज इट इज छोड़ देंगे तो ये ब्रांचेस जहाँ पे अभी 2-3 ब्रांचेस जो इसको खाना खा रही थी, इसमें अगर 21 ब्रांच निकल रही है तो 21 लोगों के लिए ज्यादा खाना चाहिए। ज्यादा खाना के लिए क्या करना है, अब एक बार अपने रूट फिलिंग करनी है, देखिए। जैसे ये कटिंग कर दिया, इसके पत्ते हम नीचे से इस तरह से निकालते रहेंगे, ये देखेंगे, ये नीचे से पत्ते निकाल देंगे और ये हमारा प्लांट जो है साफ सुथरा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपने ये खोदना है, ये देखिए, ये खोदना है। और इसके अंदर अगर आप नहीं मिलाया आपने स्टोन डस्ट, तो थोड़ा सा आपको स्टोन डस्ट ऐसे डाल देना, अगर लगा हुआ प्लांट है तो भी, ये देखिए, 2 चम्मच के अराउंड 8 इंची गमले में। और इसके बाद आपको डालना है लीफ कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, ये 8 इंची का गमला है तो 1 से 1.5 मुट्ठी डाल देंगे और इसको मिट्टी को बंद कर देंगे। तो ये हमने जो कटिंग कर दी और आने वाले जो ब्रांचेस हैं उसके लिए फूड भी इसके अंदर डाल दिया, तो अब ग्रोथ करेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। जब खाना मिलेगा इसको तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी, फ्लावर आएगा, इस तरह से बर्ड्स निकलेंगे। अब हम ये बार बार नहीं कर सकते इसके लाइफ स्पैन में, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है, इसको बार बार हम नहीं करेंगे क्योंकि आगे रूट इसकी जो आ जाएगी इसको फिर खोदेंगे तो क्या होगा कि रूट डिस्टर्ब होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर हम रेगुलर फ्लावर ज्यादा लेना है तो रेगुलर न्यूट्रिशन भी चाहिए 15 से 20 दिन में एक बार। तो ये देखिए, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसका 1:4 करके इनमें हम डालते रहेंगे, सारे माइक्रो न्यूट्रिशन मल्टी न्यूट्रिशन इसके अंदर है, तो ये मिलता रहेगा हमें 1:4 करके। और इस गमले में लगभग जो है 400 ml के आसपास डाल देंगे 15 से 20 दिन में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कब तक, लोग क्या करते हैं एंड तक खाद डालते रह जाते हैं, तो एंड तक खाद आपने नहीं डालना है, खाद तब तक डालना है जब तक कि इसकी बडिंग ना शुरू हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें कंडीशन में जब बडिंग हो गई है, फूल खिलने शुरू हो गए हैं, तो अब हमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गोबर खाद हो, सरसों खाद हो, कुछ भी नहीं देना है, जस्ट वाटरिंग करनी है। और वाटरिंग भी इतनी नहीं करनी है कि इसके पानी नीचे से निकल के भाग जाए, वाटरिंग इतनी करनी है जितना इसके लिए सफिशियंट हो, तो उतना ही पानी हमें देना है। और 2-3 दिन पे आजकल पानी देते हैं हम इसमें और फ्लावरिंग करेगा, कोई खाद हम इसमें नहीं डालेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द पिंचिंग, जब तक पिंचिंग आप कर रहे हैं तब तक इसको खाद की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि खाद नहीं देंगे तो वो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो एक ही गमले में 3 ब्रांच थी, 3 से 21 ब्रांच में कन्वर्ट हो रही है, तो उनको खाने के लिए भोजन चाहिए, तभी ये इस तरह का रिजल्ट आ पाएगा। ये देखिए जो हिला रहे हैं, पूरा का पूरा हिल रहा है एक साथ, तो इसमें 2 पौधे या 3 पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरह की ग्रोथ लेने के लिए आपको रेगुलर ये खाद देना है। अब हम आगे चलते हैं बीमारी। बीमारी तो देखो नेचर है, नेचर में बीमारी भी आती है। सबसे पहले इसमें क्या आती है बीमारी, इसके अंदर
बीमारी आती है सुंडी की, एक कीड़ा अंडा देता है इनके पत्तों के पीछे, जैसे मैंने बताया कि पत्ते साफ कर देने हैं ताकि एरेशन होती रहे, धूप लगती रहे, तो आपके कीड़े जो है अंडे नहीं देंगे। और नहीं तो क्या होता, कीड़े पत्तों के पीछे अंडे दे देते हैं और वो अंडा जब हैच होता तो पूरे पौधे को आपको लपेट में ले लेता है। तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल होता है, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है अगर, तो प्रोफेक्स सुपर 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करिए। याद रखें, कभी भी अंदाजे से मत डालिए दवाई, सिरिंज आती है उससे माप के एग्जैक्ट मात्रा में डालिए, नहीं तो ये पत्ते जला देगा। जैसे कि मेरा फोन करते हुए फोन आ गया, मतलब दवाई डालते हुए, और मैंने एक ढक्कन की बजाय 2 ढक्कन दवाई जो नीम ऑयल डाल दिया, हमारे पौधों के पत्ते सूख गए हैं, झड़ गए, जल गए हैं। तो इस तरह की दिक्कत आपको ना होगी। दूसरा आता है इसमें तेला, चेपा जिसको बोलते हैं, एपिड्स बोलते हैं, काले काले करते चींटियां सी चिपक गए, चींटियां नहीं होती है, और जो नाजुक जो इसका होता है टहनी वहां पे चिपक जाती है। तो उसके लिए आपको नीम ऑयल अगर स्प्रे कर रहे हैं या हमारे नीम धतूरे वाला जो स्प्रे है वो यूज कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आपको क्या करना होगा कि इमीडा क्लोरोपिड आती है मार्केट में, इमीडा क्लोरोपिड के नाम से, उसका 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करिए। और उस स्प्रे को आप कितने दिन में एक बार करेंगे वो ध्यान दीजिए, उसको स्प्रे को 2 ही स्प्रे करेंगे सिर्फ, 5 से 6 दिन के गैप पे 2 स्प्रे कर देंगे, वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कीड़ा और आपका पौधा सेफ हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये स्प्रे जो करना है तो आपने स्प्रे 2 ही स्प्रे करना है और उसमें कीड़े भाग जाएंगे, कीड़े मतलब मर जाएंगे आपके। दूसरा ये याद रखिए, जब ये इस फ्लावरिंग कंडीशन पे हो तो कोई स्प्रे मत डालिए। कई बार स्प्रे में ऐसी चीज होती है कि